नमस्कार। तो मैं एरियनो चैनल से शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसान भाइयों के बीच में हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किसान भाई जो किस तरीके से लोगों की सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी किसान भाई आ रहे हैं उनको हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर हमारे भाई, यहाँ पर कुछ मौजूद किसान भाई, हम इसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गोल्डी है जी मेरा नाम, गंगानगर से। गंगानगर से। लगभग आपको कितने दिन हो चुके हैं सर यहाँ पर? हमें भाई साहब 12 से 13 दिन हो चुके हैं जी सर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? किस प्रकार पूछना चाहते हैं उस प्रकार जवाब मतलब देंगे। ये जो अपने MSP चल रही है और मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि जो हम आंदोलन लाएं किसानों के हित में लाएं, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए, अपने हित में है या फिर अपने हित में नहीं? भाई साहब जिसको खेती नहीं करनी आती वो क्या बताएगा अभी कानून क्या है भी। हम लोग किसान हैं, हमें मालूम है MSP अगर लेके आए तो 7 साल से ये सत्ता में है, तब से MSP लागू क्यों नहीं की इन्होंने? लागू की इन्होंने कहीं है MSP लागू? ये तो मूर्ख बनाने के लिए कानून है। आर्थ प्रथा खत्म कर दो, एग्रीमेंट पे ये बड़ी कंपनी लेंगी। नहीं रख सका यार वो कानून क्या बनाएगा, जो अपनी जनानी नहीं रख सका वो कानून क्या बनाएगा? वो तो सारे रंडवे कटे हुए हैं वहाँ पे, रंडवे सारे निकालने चाहिए वहाँ से, बस खेल खत्म। जाके 2-2 महीने फौज में जाके लगा के आए देश के लिए, वो कह रहे हैं ना कि हम देश के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या किया देश के लिए उन्होंने? घर बैठे है ना, घर बैठे बकर कर रहे हैं, जाके 2-2 महीने लगाओ ना बॉर्डर पे, फिर देखते हैं देश के लिए उनके लिए उनके मन में क्या है। UP और बिहार में ये लागू है, जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिजाई करवाती हैं वहाँ क्या चावल क्या रेट है, 700-800 रुपये गेहूँ वहाँ क्या रेट है, उधर के लोग इधर क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं किसान, क्यों वहाँ भूखे मरने की नौबत आई है? इन्हीं वजह से आई हुई है। हमारी ज़मीन हम नहीं चाहते, इन्होंने आमदनी दुगनी करनी थी, आमदनी दुगनी हो जाएगी हम लोग दिहाड़ी पे आ जाएंगे, जो हमारी ज़मीनें हैं ये लोग रख लेंगे और किसान ख़त्म है तो इस देश की तो तरक्की हो ही जाएगी। अच्छा सर, दूसरा मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर मोदी जी कहें कि हमें इस कानून में थोड़ा सा संशोधन ला देंगे, हमें उनको वापस नहीं लाएंगे, वापस नहीं लेंगे, तो आप क्या चाहते हो, उनको वापस ही दिलाना चाहते हो या फिर हमें थोड़ा बहुत संशोधन हो जाता है आप इस पर राजी हो? सर वापस ही दिलवाना चाहते हैं भी, ले आएंगे ऐसे कर देंगे। जित वर्ल्ड के अंदर दो ही सच्चे आदमी थे, एक तो ट्रंप साहब जिनको जवाब मिल गया, दूसरे मोदी जी। हर ये आपको भी मालूम है न्यूज़ में वो कितनी बार स्टेटमेंट बदलते हैं, बदली नहीं बदली, हर बार स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, सुबह उठ के नहीं अब तो रात हो गई है। हमें क्या दिक्कत है, अंबानी जी के दोते को देखने गए हैं, किसान आंदोलन में आने का तो टाइम ही नहीं मिला इनको किसानों से मिलने के लिए। हम उम्मीद क्या करेंगे कल को हमें आके ये मिलेंगे? संशोधन नहीं चाहते हैं, इसको बिल्कुल रद्द ही करवाएंगे जी। आपका ये कहना है कि हमें इनमें कोई प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वापस ही चाहिए। हाँ वापस ही चाहिए जी सर। सर आप कहाँ से हो सर? मेरा गांव यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर है, सिरियानी गांव है मेरा जी सर। और मैं मारुति सुजुकी मजदूर संघ से महासचिव हूं और आज हम अपने किसान भाइयों के पास में यहां पे आए थे, इनकी समस्याएं देख रहे हैं और पास में ये आते रहते हैं। वैसे तो मोदी जी से बस यही कहना है कि आप ये बताओ, या तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया या तो वो कानून गलत बना के चले गए, इस चीज़ को प्रत्यक्ष कर दें। अगर उनने कानून गलत बनाया है तब तो आप संशोधन की बात करते हैं, हर चीज़ में संशोधन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमारे जो किसान भाई हैं और इसके अंदर अगर उन्हें संशोधन किया तो हमारे जो किसानों के भी जो सम्मेलन है वहाँ भी तो नेता बैठे हैं बड़े बड़े किसानों के, उनसे क्यों नहीं पूछा इन लोगों ने अगर इसमें संशोधन की ज़रूरत थी? ये सब इनकी चाल है मोदी जी की, क्योंकि इनके पास में जो बैठे बड़े बड़े लुटेरे बैठे हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, इन लोगों ने हर फील्ड में काम करके देख लिया है, लेकिन जब उन्हें ये देखा कि कोविड की बहुत बड़ी ये बीमारी आई है और इसके अंदर हर चीज़ की GDP डाउन की है, सब कुछ ठप हो गया था देश में, तब इनको एक ये इनको लगा कि जो किसान है, जो ये कमेरा वर्ग है, इसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि इन लोगों ने जो अपना जो किसान जो भी कमाता है, गेहूं पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, और इसके बगैर तो देश चल नहीं सकता। अब इसने यही सोचा कि इस पे हम कब्जा कर लें। इसके ऊपर कब्जा करने के लिए कोविड इनके पास बहुत बड़ा बहाना था कि कोविड के अंदर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोविड के दौरान ही ये लेके आए इस बिल को कि इसमें हम चेंज करें, उसको चेंज करके और इसमें ये कब्जा करना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी GDP सबसे अच्छी रही है। अच्छा सर, गोदी मीडिया जो है इस वक्त मतलब आपको दिखा नहीं पा रही है और आपको दिखा भी रही है तो वो इस तरीके से दिखा रही है कि वो कह रही है, उसका कहना है मतलब गोदी मीडिया का कि यहाँ पर जो किसान भाई हैं यहाँ पर वो ऐश कर रहे हैं, यहाँ पर मजे करने के लिए जा रहे हैं, तो उस गोदी मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? देखो जितने भी चैनल हैं सारे मोदी ने अपने खरीद के बैठा रखे हैं, सबको उनकी फंडिंग जाती है उनको भी, और अगर उसको ये लग रहा है कि ये ऐसे ही बैठे हैं तो एक दिन मोदी भी आके बैठ जाए
वो क्यों नहीं पूछता? यहाँ आके बैठे समस्याएं देखें, अगर समस्या है तो समाधान कर दे, अगर उसको लगता है कि समस्या नहीं है तो संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करके चला जाए यहाँ पे। बाबू जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल कहना चाहेंगे जी। गोदी मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना है। बताइए। मैं रोज सुनता हूँ इनकी बातें घर पर भी, ये बिल्कुल बिका हुआ मीडिया, ये हमारे को गुमराह करा है कि कोई नहीं बैठा हुआ। मोदी भी कहते हैं कोई नहीं बैठा है, दो चार किसान हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये हमको बिल्कुल बिल्कुल खराब बोल रहे हैं हमारे षड्यंत्र है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ को हम जो है ना, मोदी ने जब से ये प्रधानमंत्री बना है एक भी बात सच्ची बात नहीं की, मन की बात कहता है और झूठ बोलता है, जो कहता है वो करता नहीं, बातों में रखता है, बड़ी मीठी बातें करता है, मीठी बातों में हमें इसने बता दिया। इसने कहा था कि मैं किसानों की आमदन दुगुनी कर दूंगा, सब किसान ने, मैंने खुद, हमारे परिवार ने, सारे इलाके में राजस्थान के हम सब ने वोटों दी थी जो 14 में। राजस्थान में एक भी एमपी नहीं बना था मतलब कांग्रेस का, सभी इनके थे। इनकी बातों में आकर ये दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन वोट कर देंगे, हमको आपकी आमदन का दुगना मोल देंगे। और मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने किसान का तो भट्ठा ही बता दिया, ये दुगनी करने वाले उन्हें आधी नहीं रहने दी, प्रॉपर्टी खत्म होगी सारी, प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं। प्रॉपर्टी का हमारा जो बिघा 10 लाख में बिकता था, आज 3.5 लाख में कोई पूछ नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, बिल्कुल उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और एक बात ये बहुत कहता था, सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, ये बात बार बार कहता था, उनके जो अडानी बानी के हेलीकॉप्टर लेकर ना 80-90 सवाई करता था उस टाइम 14 में। और ये कहता था मनमोहन सिंह इतना नलायक प्रधानमंत्री है, देखो जो अर्थशास्त्री था जिसने हमारा देश बचाया है, सोना गिरवी रखकर, लड़ाई लगी थी सोना गिरवी रखकर इसने हमारा, तो जो खजाना था खाली था, मोरारजी देसाई ने कर दिया था पहले से जनता दल के बिल, उसके बाद ये बना, उसने खजाने को बचाया। और मोदी मनमोहन सिंह ने ये कहता था भी तेल मनमोहन सिंह ने इतना महंगा कर दिया, किसान कैसे लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी को, उस टाइम जो क्रूड तेल था ना वो महंगा था, बहुत महंगा था, पर उस टाइम ही 45 से ऊपर नहीं गया था 97 में। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब मोदी जी आप बताओ नलायक कौन है, उस टाइम तो 45 रुपये बिक रहा था, अब हम 86 रुपये ले रहे हैं राजस्थान में, इसलिए नलायक कौन है। मैं एक बता आपको बात बता देना चाहता हूँ, हम जाएंगे नहीं, हम 26 जनवरी बैसाखी दिवाली तक, अगली दिवाली तक, बैसाखी तक यहाँ पर रहेंगे। मोदी जितना ये तीनों कानून वापस नहीं लेते ले लेता, हम नहीं जाएंगे, जाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पंजाब के लोगों ने, क्योंकि गुरु साहब ने, यदि गुरु गोबिंद सिंह जी या गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पे शीश ना देते तो मैं कहता आज हाथ हिंदुस्तान होता ही नहीं, होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, मुस्लिम देश हो जाता, बुल्ला शाह मुसलमान हो फकीर हो है। मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूँ, बुल्ला शाह जी मुसलमान हुए हैं, मुसलमान होते हुए उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की तारीफ की है, वो कहते हैं ना कहूँ जब की, ना कहूँ अब की, बात कहूँ तब की, जे ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन तो होती सब की, सब की। बोले सोहनियार सत श्री गुरुदेव की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वक्त किसानों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, और किसान यही चाहते हैं, किसान भाई हमारे यही चाहते हैं कि जो कानून है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए, जो कानून है ये वापस ही होने चाहिए, बस यही किसानों का कहना है। और मैं इस वक्त और भी भाइयों से थोड़ी सी बात करना चाहूँ, किसान भाइयों से थोड़ी सी इसके बारे में, जिससे कि मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको, हमारे बाबू जी हैं, इनसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। बाबू जी नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ये मोदी बड़े फरेब कर रहा है, बहुत झूठा है, लारे कोई लाए करदा कुछ है, करदा मनमानियां ते वेखण नूं बड़ा जापदा, मैं आ करांगा ये अपनियां करदा मनमानियां, किसी का इन्हें सवारिया नहीं अजे तई किसानां दे ने पठा भारता है फड़ के किसान किसान दिने रात खपण वाले दिने रात कमाई करके खाण वाले सड़कां पर बैठे हैं, पर ये कदी ना जाणगे, सीस जावे ते जावे, इत्थों उठ के कदी ना जाणगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी ने वेखो सारा ऐसा काम करता, सारे खजाने खाली करते इन्हें, सारा खजाना ही खाली करता है, रेलां इन्हें बंद करती, सब कुछ इन्हें वेच के पता नहीं इन्हें कितने खड़ना, ना यदि रन ना यदि कन्न खड़ना इन्हें कितने, सब कुछ सब जो खजाना इन्हें खाली करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मैं अभी आप जो मोदी जी की बात करता हूँ, हम किसी जाति मजहब पॉलिटिक नहीं बात करें, हमारा किसान भाई जो है देश को जो जगत को पालने वाला है, और आज उन किसानों की क्या हाल हो रही है, क्या बोल रहे, काजू बादाम खा रहे हैं, काजू कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों की हाल क्या हो रही है, तुमको सरकार को डूब मरना चाहिए, पाकिस्तान से पैसे आ रहा है, खालिस्तान हो रहा है, ये हमारे भाई हमारी माताएं बहनें ये पिता समान हमारे, इनकी यह बैठने की आदत है, सरकार क्या लगा रखा है हमें, तुम 6,000 रुपया देके क्या भीख दे रहे हो, सड़का पर रो रहा है हमारा किसान भाई, जो अगर एक साल अनाज नहीं पका तो पूरा विश्व तबाह हो जावे। और आज इन किसानों की हालत क्या कर रही है, करोड़ों अजबों रुपया लेके गए, उनको कुछ आप नहीं कर रहे हो, और किसान भाई का 1,00,000 रुपया बाकी रहे तो उसके ऊपर आप कुर्की करवाते हो, और किसानों को आप क्या दे रहे हो, किसान भाई जब तक जिंदा है, जब तक देश जिंदा है, तो इन किसानों की मैं मोदी जी का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन किसान भाइयों की ज्यादा से ज्यादा सुने, और इन पूंजीपतियों के अंदर में ना आवे आप पूंजीपतियों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है, पूरी बच कौन है ये आडवाणी, ये कौन है जो भी आज पूरा सरकार को लूटना चाहते हैं, आपने बोला था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, बताइए आप कितना रोजगार दिया, आपने बोला था हम 15,00,000 रुपया ला के देंगे, किसको 15,00,000 रुपया ला के दिए हैं, पूरा देश का बर्बाद करने को रख दिया है, मगर अभी हमारे किसान भाई एकता हो गई है, अभी किसान भाई नहीं जाएंगे जहाँ तक ये तीनों कार्य कानून नहीं गुजर रहे खत्म, तब तक एक छोटी सी बात है, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, मोदी जी ने कहा था मैं काला दाना जो है ना कटाऊंगा, सारे से निकलवा लूंगा, थोड़ा सा इस वीडियो इसको बताना चाहेंगे, यहाँ पर किसान आंदोलन की जो रैली निकल रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि जो कानून है वापस लो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊँचे करो, कहने को ऊँचा करके थोड़ा सा, और यहाँ पर यही रैली निकल रही है किसान भाइयों की, ये विद्यार्थी मोर्चा है किसानों का, विद्यार्थी मोर्चा निकाला जा रहा है, मतलब इसके अंदर सारे यंग लोग हैं सारे, और ये यंग लोग इसके अंदर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब गोदी मीडिया का कहना है कि यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर सिर्फ बुजुर्ग लोग ही बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर यंग लोग भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे जो सर है कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्ते जी, कहाँ से हो सर आप? हाँ मैं दातारामगढ़ सीकर से हूँ। सीकर से क्या कहना चाहोगे सर आप किसान आंदोलन के बारे में? हाँ इस आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन 13 तारीख से चालू हुआ था, तब से हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा पूरा राशन पानी हम लेके आए हैं साथ में, ओढ़ने का और टेंट वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून इन्होंने तीन कानून जो कृषि के कानून काले कानून ये लेके आए हैं, और एक बिजली का संशोधन कानून 2020 भी लेके आए हैं, ये चार कानून हैं, ये किसान घोर विरोधी कानून है, और ये किसानों से कोई पूछ के कानून नहीं लाए हैं, ये पूंजीपतियों के पक्ष में लाए हैं, और कह ये रहे हैं कि ये किसान के फायदे की चीज़ है, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारे को तो सबसे पहले डिमांड जो किसान कर रहा है वो कर रहा है कि आपने जो चुनावों के अंदर 2014 में वादे किए थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, और C2+50% मैं किसानों को दूंगा, C2+50% का मतलब होता है कि जितनी लागत फसल पे आती है उसका 1.5 भाव में समर्थन मूल्य MSP घोषित कर दूंगा, और उसकी गारंटी भी दे दूंगा कानून के तहत, मैं उसकी गारंटी दे दूंगा, जिसके उससे नीचे अगर कोई बाजार में भी खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, यह झूठे कानून ला के पूंजीपतियों को हमारी जो जमीनें जागीरदारों से किसानों के बीच में जमीन आई थी वो जमीन अब ये किसान से पूंजीपतियों को देना चाह रहे हैं, ये सब किसानों को पता लग गया है, और किसान इसका घोर विरोध करते हैं, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते किसान यहाँ डटा रहेगा, चाहे कितना ही समय लगे, और शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष करते रहेंगे, चाहे इसमें 6 महीने ही क्यों न लगे।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इनका एक ही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे इनको कितना भी वक्त लग जाए। जी सर, तो आपके सर पैसे से क्या मतलब आप? मैं पैसे से, मैं खुद खेती करता हूँ और मेरे करीबन 7 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अब तो इन करीबन 90 के बाद के अंदर जब से ये उदारीकरण, वैश्वीकरण और ये खुलापन जो बाज़ार का किया है कांग्रेस सरकार ने, के शुरू टाइम से नरसिम्हा राव के टाइम में 90 से उस दिन से लेके आज तक ये 30 साल के अंदर खेती है वो घाटे का सौदा हो गया है और हमको उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये जाए सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये दोनों की दोनों पूंजीपतियों के पक्ष के अंदर अपने कानून बना रही हैं, तो हम इन कानूनों को लेके इनका विरोध करते रहेंगे। जैसे कि देख पा रहे हो आप, यहाँ पर किसानों ने इन कानूनों का किस तरीके से विरोध किया।